हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मेरे वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे और अभी भी ना एक दो दिन लेट ही वीडियोस आएंगे। और जिसमें कि मैंने एक वीडियो बनाया था जन्माष्टमी का, मतलब उस चीज़ को भी एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ते से मेरा वीडियो नहीं आया है वो वाला। और उसके बाद भी मैंने एक शूट कर रखा है, वो क्यों नहीं आया मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि क्या हुआ ना कि मैंने जब वो वीडियो बनाया था जन्माष्टमी का, उस समय मैंने अपना जो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको मैंने अपडेट किया था। फिर नया अपडेट करने के बाद में उसमें जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना, तो पहले तो शुरू की अच्छे से एडिटिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाद में ना मैं इतनी प्रॉब्लम आने लग गई, लिटरली बताऊँ ना मैं, कि पहले सब सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो थोड़ा सा शुरू का सही हो गया, लेकिन बाद में ना इतनी प्रॉब्लम आने लग गई। वो हर एक एडिटिंग में 8 सेकेंड का टाइम लेता था, पता है 8 सेकेंड का। मतलब मैं अगर कोई क्लिप को अगर ट्रिम करता हूँ, आगे से पीछे से बीच में से किधर से भी ट्रिम करना हो, या सॉन्ग ऐड करना हो, या थीम वगैरह कुछ भी लगाना हो, सब में 8 सेकेंड का टाइम लग रहा था। इतना टाइम लगता है मतलब एडिटिंग करने में, मुझे कितना समय लग रहा था एडिटिंग करने में, लग रहे थे 7 से 8 घंटे। मतलब मैंने एक दिन तो पूरी रात, मतलब 4 बजे तक रात तक मैंने एडिटिंग करी, तो भी वो आधी हुई। उसके बाद मुझे बाहर जाना था, तो वहाँ का व्लॉग भी शूट किया, और फिर जैसे करके मैंने इसमें एडिटिंग करी एक वीडियो की, और एक्सपोर्ट हुई वो, लेकिन उसको मैंने अपलोड पे नहीं लगाई थी, सिर्फ एक्सपोर्ट करी थी। और मैंने सेकंड वीडियो, मैंने सोचा था कि एक साथ दोनों अपलोड पे लगा दूंगा, फिर मैंने सेकंड वीडियो एडिट करना चालू करा। एडिटिंग करने के लिए मैंने फिर सॉफ्टवेयर को, मेरा नया वाला जो मैंने अपडेट किया था उसको हटा दिया, उसकी जगह पुराना वाला इंस्टॉल किया, तो बढ़िया चल रहा था, सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वीडियो भी अच्छी एडिट हो रही थी। और उसके बाद में मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया, मोबाइल गिरा ना, उस समय कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे मैंने उसको चार्जिंग पर लगाया, और चार्जिंग लगाने के बाद थोड़ा सा ना साइड में इतना सा एकदम काला डॉट आने लग गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा है चल जाएगा अपना काम अभी। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे मैं चार्जिंग पर लगाता हूँ, चलाता हूँ मोबाइल, वैसे बढ़ता गया, और 5 घंटे बाद मोबाइल आधा पूरा काला हो गया मेरा, सिर्फ आधी स्क्रीन चल रही और आधी पूरी ब्लैक हो गई। और उसमें बताऊँ मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, एडिटिंग भी नहीं हो रही थी, कैसे करता मैं। फिर मैं बाहर गया था, वो भी गुजरात, तो वहाँ पर ये कांड हो गया था मेरे साथ में। तो फिर मैंने उसको घर पे आ गया था, वीडियो तो बन रही थी, लेकिन मैं एडिटिंग कैसे करूँ, क्योंकि आधा डिस्प्ले चल ही नहीं रहा था ना, वीडियो बन रही थी, मुझे पता है वीडियो बन रही थी, मैंने वीडियो भी शूट किया, जैसे जैसे करके वीडियो भी शूट किया, उसके बाद में एडिटिंग तो हुई नहीं, पूरा मोबाइल ब्लैक हो गया। अब फिर तो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, डिस्प्ले पूरा चल रहा था लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था, फोन भी उठ रहे थे, फोन कट भी हो रहे थे, क्योंकि मुझे अंदाजा मालूम था ना कि मेरा कहाँ कहाँ कौन कौन से आइकॉन है, तो वो सब समझ में आ रहे थे, बाकी उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा था वो। तो कुछ इस तरह से मेरा मोबाइल हो गया था पूरा काला, जिसको जहर चढ़ गया ऐसा लग रहा है। जब गिरा था ना शुरू बार में, तो सिर्फ इतना सा था काला, लेकिन जैसे मैं चलाते रहा था ना मोबाइल को, तो वो पूरा हल्का पूरा काला होने लग गया था। फिर वो सिर्फ फ़ोन जो आ रहे थे ना, तो मुझे पता था कि यहाँ से मतलब फ़ोन अटेंड हो जाएंगे, फ़ोन उठ जाएंगे, तो सिर्फ वहीं से मुझे पता था। और फ़ोन जो कट करने का होता ऑप्शन, बस वो पता था ना, तो फ़ोन चल रहा था उतना, लेकिन उसके अलावा कोई भी मुझे कुछ चीज़ दिख नहीं रही थी उसमें। तो इस तरह से ना पूरा काला हो गया था वो डिस्प्ले, नहीं चला था, आधा आधा चल रहा था, लेकिन उसमें नहीं करा फिर मैंने। और उसके बाद में ना फिर मैंने उसको ट्राई करा कंपनी में चेंज कराने के लिए, तो बस एक और प्रॉब्लम थी कि कंपनी वाले बोल रहे थे कि मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ेगा, मतलब में हम बदलेंगे तो मोबाइल फॉर्मेट करके ही आपको देंगे, उनकी पॉलिसी थी। और मेरा इतना डाटा पड़ा है, मैं फॉर्मेट कैसे करा सकता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर मैंने अदर मार्केट में ट्राई किया, जो हमारा जेलरोन नॉवेल्टी मार्केट जो होता है मोबाइलों का दुकान, जहाँ पे मोबाइलों की दुकान वगैरह है, वहाँ ट्राई किया, तो वहाँ भी बहुत समय लग रहा था। और काम तो हो रहा था, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं था कि ओरिजिनल भी डाल रहे हैं कि डुप्लीकेट भी डाल रहे हैं, मतलब बहुत संकोच वाला मामला था। मेरे फ्रेंड के यहाँ मोबाइल दिया, उसकी भी मोबाइल की शॉप है, फिर उसको दिया मैंने, उसने पूरी मुझे बताई कि कितने का डिस्प्ले आएगा, और ऐसा आएगा ओरिजिनल कितना आएगा, और डुप्लीकेट कितने का आएगा, और मोबाइल की दुकान पे कितना, मतलब बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं, आपको बताया मेरे को पूरा। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड से मोबाइल को रिपेयर कराने को दिया है, और वो मोबाइल ना मुझे सुबह मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा मोबाइल, मतलब आज का भी वीडियो। और पता है आज है ना गुरुवार है, कल शुक्रवार है, कल गणेश चतुर्थी है, गणपति बैठेंगे, तो उसका भी वीडियो मुझे शूट करना है, तो आई होप मुझे कल मोबाइल मिल जाए ना, तो बढ़िया रहेगा, तो मैं जल्दी शूट कर लूँगा। उसने वो कहा था, मतलब उन्हें बना तो दिया है मोबाइल, बस उसको थोड़ा सा सूखने के लिए, क्योंकि डिस्प्ले भी नया डाला है ना, तो उसने वो टेप वेप लगा के उसको सूखने के लिए रखा हुआ है, तो सुबह मुझे दे देगा जल्दी, मैंने उसको बोला जल्दी दे देना मुझे, तो जल्दी मिल जाएगा, फिर कल से हम लुकिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो पुराने वीडियोज़ जो है वो एडिट करके मुझे डालने पड़ेंगे, हो सकता है मेरा कल वाला चतुर्थी का जो ब्लॉग है वो भी एक दो दिन लेट आए, तो थोड़ा ऐसा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये मत समझना कि मैं लेट वीडियो डालता हूँ, वो ये मत समझना कि मतलब इतना लेट डालूंगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा, वो यही कारण है बस लेट डालने का, नहीं तो मेरा कुछ कारण नहीं है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था। तो ठीक है, आप बस ब्लॉग इन्जॉय करना, इसके बाद से जो भी आएंगे थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन एडजस्ट थोड़ा कर लेना।